आम आदमी पार्टी के नेता मेरे गुरु अरविंद केजरीवाल जी का धन्यवाद करना चाहती हूँ, जिन्होंने मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी और इस जिम्मेदारी के लिए मुझ पर भरोसा किया। ये सिर्फ आम आदमी पार्टी में हो सकता है, अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में हो सकता है कि एक फर्स्ट टाइम पॉलिटिशियन एक राज्य की मुख्यमंत्री बने। मैं एक सामान्य परिवार से आती हूँ, शायद किसी और पार्टी में होती तो चुनाव की टिकट भी नहीं मिलती, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने मुझ पर भरोसा किया, मुझे विधायक बनाया, मुझे मंत्री बनाया और आज मुख्यमंत्री बनने की जिम्मेदारी दी है। मैं खुश हूँ कि अरविंद केजरीवाल जी ने मुझ पर इतना भरोसा किया है, लेकिन जितना सुख आज मेरे मन में है आज उससे बहुत ज़्यादा दुख भी मेरे मन में है। दुख इसलिए कि दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री मेरे बड़े भाई अरविंद केजरीवाल जी आज इस्तीफा दे रहे हैं। मैं आज ये ज़रूर कहना चाहती हूँ आम आदमी पार्टी के सभी विधायकों की तरफ से, दिल्ली की 2 करोड़ जनता की तरफ से, कि दिल्ली का एक ही मुख्यमंत्री है और उस मुख्यमंत्री का नाम अरविंद केजरीवाल है। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 2 साल से अरविंद केजरीवाल जी को परेशान करने की, उनके खिलाफ षड्यंत्र रचने की कोई कसर नहीं छोड़ी। एक ऐसा आदमी जो अपनी IRS कमिश्नर की नौकरी ठुकरा सकता था, एक ऐसा आदमी जो एक नई पॉलिटिकल पार्टी से पहली बार चुनाव लड़के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे सकता था, ऐसे आदमी पर, ऐसे ईमानदार आदमी पर भारतीय जनता पार्टी ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, झूठे केस किए, फर्जी केस किए, अपनी एजेंसीज ED को, CBI को उनके पीछे छोड़ दिया, उनको झूठे मुकदमे में 6 महीने तक जेल में रखा, आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दी। और सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ उनको जमानत नहीं दी, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के मुंह पे तमाचा मारा, उनकी एजेंसीज के मुंह पे तमाचा मारा, उन्हें कहा कि इनकी एजेंसीज, केंद्र सरकार की एजेंसीज एक पिंजरे में कैद तोते की तरह हैं और अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी गलत थी। अगर अरविंद केजरीवाल जी की जगह कोई और मुख्यमंत्री होता, कोई और नेता होता, तो वो 2 मिनट नहीं सोचता मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठने के बारे में। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने वो किया जो आज तक इस देश का इतिहास तो छोड़िए, शायद दुनिया के इतिहास में किसी नेता ने ना किया हो। उन्होंने कहा कि मेरे लिए सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का फैसला काफी नहीं है, मैं जनता की अदालत में जाऊंगा। जब दिल्ली की जनता मुझे कहेगी कि हम तुम्हें मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं, जब दिल्ली की जनता कहेगी कि तुम ईमानदार हो, तब मैं मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठूंगा। मुझे नहीं लगता कि हमें लोकतंत्र के इतिहास में ऐसा कोई त्याग का उदाहरण मिलेगा जो आज अरविंद केजरीवाल जी ने देश के सामने रखा है। दिल्ली भर में लोग बहुत दुखी हैं अरविंद केजरीवाल जी के इस्तीफे से। कल शाम मुझे एक बुजुर्ग महिला मिली, जब उन्हें खबर मिली थी कि अरविंद केजरीवाल जी ने इस्तीफा दे दिया है, वो रोने लग गई। उन्होंने कहा कि वो मेरे बेटे की तरह हैं, उसको इतना परेशान किया है, उसको इतना परेशान किया, उस पर झूठे केस लगाए। और उन बुजुर्ग महिला ने कहा कि मैं घर घर जाऊंगी, मैं घर घर जाके लोगों को कहूंगी कि मुझे अपने बेटे को ही मुख्यमंत्री बनाना है। तो आज सभी दिल्ली वाले ये प्रण ले रहे हैं, सभी दिल्ली वाले इतने गुस्सा हैं, भारतीय जनता पार्टी के षड्यंत्र से नाराज हैं और अपने बेटे, अपने भाई अरविंद केजरीवाल जी को फिर से दिल्ली का मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। क्यों देखना चाहते हैं दिल्ली वाले अरविंद केजरीवाल जी को फिर से मुख्यमंत्री? क्योंकि उन्हें पता है कि अरविंद केजरीवाल ही ऐसे ईमानदार मुख्यमंत्री हैं जिनकी वजह से उन्हें फ्री बिजली मिली है। उन्हें पता है कि अगर अरविंद केजरीवाल जैसे ईमानदार व्यक्ति मुख्यमंत्री नहीं रहे तो उनको फ्री बिजली मिलनी बंद हो जाएगी। उन्हें पता है कि अरविंद केजरीवाल जैसे ईमानदार व्यक्ति अगर मुख्यमंत्री नहीं रहे तो उनके बच्चों के सरकारी स्कूल बदहाल हो जाएंगे।
उनको पता है कि अरविंद केजरीवाल जैसे ईमानदार व्यक्ति अगर मुख्यमंत्री नहीं रहे तो जो अस्पतालों में, सरकारी अस्पतालों में अच्छा इलाज मिलता है, मुफ्त दवाइयाँ मिलती हैं, वो बंद हो जाएंगी। उन्हें पता है कि अगर अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री नहीं रहे तो मोहल्ला क्लिनिक बंद हो जाएगी। अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री नहीं रहे तो दिल्ली में महिलाओं की फ्री बस यात्रा बंद हो जाएगी, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा बंद हो जाएगी, क्योंकि उन्होंने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी की 22 राज्यों में सरकार है, किसी एक राज्य में भी वो फ्री बिजली, अच्छे स्कूल, अच्छे अस्पताल, मोहल्ला क्लिनिक, फ्री बस यात्रा नहीं दे पाते हैं। और एक ईमानदार अरविंद केजरीवाल है जो दिल्ली के लोगों को इतना कुछ देता है। तो दिल्ली के लोग, आम आदमी पार्टी के विधायक और मैं अगले कुछ महीनों तक, चुनाव तक मुख्यमंत्री होने के नाते, अब एक ही उद्देश्य से काम करेंगे कि हमें अरविंद केजरीवाल जी को फिर से दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाना है। जब तक मैं इस बड़ी जिम्मेदारी को संभाल रही हूँ, मेरा एक ही मकसद रहेगा। मुझे पता है कि भारतीय जनता पार्टी अपने एलजी साहब के थ्रू दिल्ली वालों के खिलाफ षड्यंत्र रचेगी। मुझे पता है कि वो दिल्ली वालों की फ्री बिजली रोकने की कोशिश करेंगे। मुझे पता है वो दिल्ली वालों के अस्पताल में फ्री दवाइयां रोकने की कोशिश करेंगे। मुझे पता है वो मोहल्ला क्लिनिक बंद करने की कोशिश करेंगे। मुझे पता है वो सरकारी स्कूलों को खराब करने की कोशिश करेंगे। तो अगले कुछ महीने तक, जब तक ये जिम्मेदारी मेरे पास है, मैं दिल्ली की लोगों की रक्षा करने की कोशिश करूंगी और अरविंद केजरीवाल जी के मार्गदर्शन में दिल्ली की सरकार चलाऊंगी। मेरा अपने सभी कार्यकर्ताओं से, सभी विधायक साथियों से, दिल्ली के लोगों से बस एक ही अनुरोध है, आप में से कोई मुझे बधाई मत दीजिएगा, आप में से कोई मुझे माला मत पहनाइएगा, क्योंकि मेरे लिए और मुझे लगता है सभी दिल्ली वालों के लिए ये एक बहुत दुख की घड़ी है कि दिल्ली के चहेते मुख्यमंत्री को आज इस्तीफा दिया है। मैं एक बार फिर अरविंद केजरीवाल जी का धन्यवाद करती हूँ जो उन्होंने मुझ पर भरोसा दिलाया, मुझ पर भरोसा दिखाया है। और मैं दिल्ली के लोगों की तरफ से फिर से एक बार ये कहूँगी कि वो जल्द ही आने वाले चुनाव के बाद अरविंद केजरीवाल जी को अपना मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, बीसीआर न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपका होस्ट एंड दोस्त अजय शास्त्री। उम्मीद है आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा, तो आप इसको शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। जी हाँ, ऐसे ही नए वीडियो के साथ फिर आपके साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए आपसे अलविदा लेते हैं। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों।